सबसे पहला ऐप है स्लाइड बॉक्स, बहुत ही अच्छा ऐप है। चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैसे स्लाइड्स करते जाएंगे फोटोज़ आपकी आती जाएंगी जो आपकी एक्चुअल गैलरीज या फोटोज़ के अंदर है। नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो फेवरेट सेट हो जाएगा, अनफेवरेट हो जाएगा। फेवरेट सेट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे आएगा। नीचे सेक्शन में दिखेगा आपको फेवरेट का सेक्शन दिख जाएगा अलग से, तो यहाँ पे आप इजीली सेट कर सकते हैं और अनसेट भी यहीं से कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये आपका ट्रैश के अंदर चला जाएगा। अब ट्रैश में भी मतलब ये पूरा डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे आप डिलीट का कॉलम देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिलीट ऑल आप परमानेंटली कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं। तो बड़ा ही ईजी है, और अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो हाइड करने के बाद एक बार हाइड किया तो यहाँ पे नीचे फोटोज़ में आएंगे, तो यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हिडन का दिख जाएगा आपको। यहाँ पे इजीली पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं या रिकवर भी मतलब अनहाइड भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने आपको आना है मोर के अंदर, मोर में ऊपर सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज पासवर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लॉक पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, रैंडम लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ से हाइड करते हैं ना इसको, ये हाइड हो चुका है ऑलरेडी, और अब आप फोटोज़ में आएंगे मतलब जो एक्चुअल गैलरी आईफोन की उसके अंदर आएंगे तो वहाँ भी शो नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मतलब जो मैंने हाइड किया है वो यहाँ शो नहीं कर रहा, जो कि कमाल की बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। गाइस जो हमारा नेक्स्ट ऐप है वो है गैलरी फोटोज़। पहले तो इसको ओपन किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासकोड मांग रहा है। ये मतलब जो आपका फ़ोन लोग है आप उसी को सेट कर सकते हैं, फेस आईडी वगैरह हर चीज़ सपोर्टेबल करेगा। काफ़ी सिंपल ऐप है, नीचे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, एल्बम, फोटोज़, वीडियोज़, तरह तरह की कैटेगरीज है। और नेक्स्ट है हमारा वॉल्ट जो कि इसका मेन हाईलाइट है इस ऐप का बेसिकली। तो यहाँ पे आप इजीली पासवर्ड सेट कर सकते हैं, हर चीज़ सेट कर सकते हैं। बैक करते एक बार पहले आते हैं एल्बम के अंदर। एल्बम में आप देखेंगे तरह तरह के ऐप को एल्बम दे रखे जो आपके एक्चुअल फ़ोन में है। अब वीडियोज़ के अंदर आते हैं, आप एक कोई हाइड करते हैं चीज़ कि आप इसमें टैप एंड होल्ड करना है और यहाँ पे नीचे हाइड का आपको इजीली ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, डिलीट और डोंट अलाउ। तो यहाँ पे डोंट अलाउ कर देते हैं, मतलब कि आपका जो गैलरी में है वो डिलीट नहीं करेगा ये वीडियो, कि आपकी गैलरी में भी रहेगी और वॉल्ट में भी रहेगी। तो सेटिंग्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको लॉक लगाना है या नहीं लगाना और वॉल्ट का पासवर्ड चेंज करना है। तो ये आपका मर्जी है, मतलब आप लॉक लगाना चाहते हो तो लगाइए, मत लगाइए। हमने लगा रखा है, जैसे कि हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे ओपन करेंगे तो देख सकते हैं जैसे कि आप ऐप क्लोज़ करेंगे उसके जस्ट बाद ही आपका पासवर्ड मांगेगा, चाहे आपका फ़ोन लॉक हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो हाइड कर लेते हैं, टैप एंड होल्ड किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे नीचे हाइड कर दिया। अब डिलीट कर देते हैं तो ये आपका गैलरी में भी शो नहीं करेगा। अब वॉल्ट के अंदर सिंपली आएंगे, पासवर्ड डालते हैं अपना, तो यहाँ पे फोटो आ चुकी है, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसे। गाइस यहाँ पे एक एनोइंग चीज़ है वो है इसकी एड्स, बहुत एड्स आती हैं, मैं आपको पहले ही मेक श्योर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड किया और अनहाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ में जैसा आपको फिर एड आ गई, जस्ट इसी के साथ में आपको ऊपर वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो हमने हाइड की थी। तो गाइस यही कुछ है इस ऐप के बारे में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ। गाइस नेक्स्ट जो ऐप है वो है फोटो सिंक, बहुत ही मतलब कमाल का ऐप है जिसका मेन हाईलाइट है वो है फोटो शेयरिंग। इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब इतना कन्वीनियंट है, मज़ा आ जाएगा। ये हमने फ़ोटो सिलेक्ट की और आप ऊपर एक रिफ्रेश टाइप का आइकन दिख रहे होंगे रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली। और क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ सिलेक्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए, कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट, वेब, ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, हर चीज़ है, मतलब हर जगह आप सेंड कर सकते हैं। ईजी ट्रांसफ़र है, जैसे मैं सैम्पल दिखाता हूँ, मैंने अपने टैबलेट पे सेंड किया, मनुज आईपैड यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं कि लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी पेड वर्जन में है और ये आपकी फ़ोटो सेंड हो चुकी है। गाइस इतना सिंपल है, मैं आपको इसके पेड फीचर्स बताता हूँ, वो भी काफ़ी कमाल के हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र जो अपनी हाई क्वालिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफ़र वाला मोड मिल जाएगा आपको, एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स मिल जाएंगे वो आई थिंक प्रीमियम वाले सेगमेंट में है, वो जब आप परचेज़ करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सिंपली यूज़ कीजिए फ्री वाला, वो काफ़ी बेटर है। तो गाइस यहाँ पे नीचे आइकन देखेंगे आप, अगर आपको नॉर्मल गैलरी ऐप यूज़ करना है तो आप व्यू पे क्लिक करके आप सिंपली फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, स्वाइप करके आप फोटोज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सही ऐप है। सेटिंग्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे बहुत आपको फीचर्स मिल जाएंगे। ये क्विक ट्रांसफ़र है कि आप मतलब सिंगल क्लिक में अपने आईपैड में, जैसे मैं रेगुलर अगर मैं आईपैड में करता हूँ फोटो ट्रांसफ़र, तो आप सिंगल क्लिक में इसे डायरेक्ट आईपैड के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक एक्शन का भी है, आप होम स्क्रीन पे अपना ऐड कर सकते हैं, सिंपली क्लिक किया फोटो सेलेक्ट किया और सेंड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फीचर है। सीरी के भी शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको, सेट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो सीरी शॉर्टकट्स की। और थीम भी दे रखी है, डार्क मोड, लाइट मोड, ये आप देख सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा ऐप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी फीचर्स इसके यूज़फुल हैं आपके, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ऐप। गाइस ये जो ऐप है वो है गूगल फोटोज़। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप इसके फीचर्स देखिए, जैसे ये
मैंने लॉगिन कर रखा है इसमें अपनी जीमेल आईडी, तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं, आपको सिंक कर सकते हैं आपकी अगर मेल में फ़ोटोज है तो यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएंगी। सेटिंग्स में बहुत तरह के ऑप्शन हैं, मतलब बहुत ही तरह के, सीरी शॉर्टकट से लेके मेमोरी सेव कर सकते हैं आप अलग अलग तरह की। तो यहाँ से आप एक बार आते हैं होम पेज पे, होम पेज पे आने के बाद नीचे आपको सर्च का आइकन दिखेगा, आप अपनी फोटोज़ का नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं एक्स वाई जी, और आप कभी भी इन फ्यूचर सर्च करना चाहते हैं फोटोज़ को कभी भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने अब सेट किया यहाँ पे फेवरेट, और यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए सिंपली और ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप इसको क्रोमकास्ट के थ्रू अपने टीवी में, मतलब जो भी सपोर्ट करता है क्रोमकास्ट, आप उसके अंदर इजीली डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं सिर्फ एक एल्बम को। आपने फ़ोटो सेलेक्ट की, कनेक्ट किया, सिंपली हो गया। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली इस एल्बम को आप लिंक शेयर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली, इको फ्रेंडली सब बन जाता है ये गाइस। मतलब मैंने जब यूज़ किया था ना सिंपली, स्टार्टिंग में मुझे लगा कुछ खास नहीं है क्योंकि कुछ स्पेशल ज़्यादा है नहीं, बट अगर आप देखें ना बहुत ही स्पेशल भी है ये ऐप, मतलब आपको पसंद आएगा, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। थोड़ा अच्छे टाइम के लिए यूज़ कीजिए, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन रेगुलर से यूज़ कीजिए, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आप सब ऐप भूल जाएंगे ये ऐप यूज़ करेंगे, जबकि इसमें कुछ स्पेशल भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस। बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, नया चैनल है, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, हम बहुत सारी वीडियोस आगे लाने वाले हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।